आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। कांग्रेस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज सुबह 10 बजे से ही शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वोट डाल दिया है। बता दें कि पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार चुनावी मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए रेस हो रही है। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वोट डाल दिया है। बता दें कि पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, कांग्रेस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, भी अगर बात की जाए तो 22 साल के बाद साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पहली बार होगा जब से हटकर अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालेगा। वही अगर बात की जाए तो 2000 से इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पे हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 1250 से अधिक लगभग जो पीसीसी के मेंबर्स है वो अपने मतों का प्रयोग करके और नए अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया है उस वक्त सहभागिता देंगे। साथ ही आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। साथ ही साथ उनका साफ तौर पे कहना है कि अध्यक्ष के आने के बाद हम नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि प्रदेश भर से आज जो तमाम डेलीगेट्स हैं, जो पीसीसी के मेंबर्स हैं, वो यहाँ आए हैं। हर वर्ग के हैं, चाहे बात की जाए तो कांग्रेस के हर एक विभाग के लोग यहाँ आए हैं। बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर देखें तो सेवा दल से लेकर और जो तमाम विजय कांग्रेस के जो विंग्स है उससे लोग आए हुए हैं। वहीं आपको मयूरी बताना चाहेंगे कि 10 बजे से जो वोटिंग है उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। और वहीं अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में पीएन पूनिया, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा मोना, अजय कुमार मल्लू समेत तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं। साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में वही एकदम जैसे इलेक्शन कमीशन का पूरा काम होता है ठीक वैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया होती है। अंदर में पूरे गेट को बंद किया गया है और जो वोटर्स है वही जा रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और साफ तौर से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दो उम्मीदवार मैदान में है। बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ 25 अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी में अपने नामांकन किए थे और आज उनके सामने जो कांग्रेस पीसीसी के मेंबर्स हैं उनके उनके बैलेटेटर पर जो नाम है उनके अपने मनपसंद नामों के सामने मुहर लगा रहे हैं। साथ ही आपको बात की जाए तो 10 बजे से 4 बजे तक ये मतदान चलेगा और देश के 68 जगहों पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 9000 से अधिक डेलीगेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आपको बताया कि आज 4 बजे जब मतदान संपन्न हो जाएगा उसके ठीक बाद मत पेटियों को जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है वहां रखा जाएगा। 19 तारीख को पूरी व्यवस्थित तरीके से मतों का जो गिनती है वो किया जाएगा और आपको बताया कि 50% से अधिक पाने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको अध्यक्ष पद का जिम्मा मिलेगा। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि काफी वरिष्ठ भी आए हैं, युवा भी आए हैं, सेवा दल के भी लोग आए हैं, अलग अलग जो कांग्रेस का विभाग है चाहे महिला विभाग हो चाहे कोई विभाग हो हर विभाग से यहाँ लोग आए हैं। अब इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितने उत्सुकता है इनके अंदर क्योंकि 22 सालों के बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है। वहीं पर देखा जाए तो 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो नया कप्तान यानी कि नया अध्यक्ष मिलने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर अभी से एक अलग ही हर्ष उल्लास देखने को मिल रहा है।
सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं। मैं वीरेंद्र कुमार कुशवाहा। कितनी उत्सुकता है? मऊ उत्तर प्रदेश से आया हूं और बड़ी उत्सुकता है कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र के तरीके से ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इसमें दो प्रत्याशी हैं, मल्लिका देवी और सुनील गोले, दोनों लोग कांग्रेस के ही हैं, दोनों अपने अपने स्तर पर प्रचार किया। अब जो डेलीगेट हमारे हैं वो अपने मन से जिनको चुनेंगे अध्यक्ष होंगे, उनके साथ कदम से कदम मिला के हम सारे कांग्रेस लेते हैं। जी, कल थरूर साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस जीतेगी। उनका साफ तौर से कहना है कि दो प्रत्याशी है, इसमें से जो जीतेगा वो कांग्रेस को चलाएगा, क्या कहेंगे? ने जो कहा कांग्रेस की, तो कांग्रेस सारे लोगों के राष्ट्रीय जितने सारे कार्यकर्ता है उन लोगों का कांग्रेस ही है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस जीते न कि कोई व्यक्ति जीते। जी, ये तो साफ तौर पे आपने मयूर सुना कि यहाँ मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से बात कर रहा हूँ, पदाधिकारी से बात कर रहा हूँ, तो इनका भी कहना है कि इस चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। अच्छा दादा, आपने कई सरकारों को देखा होगा और एक लंबे अवसर के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, कितनी उत्सुकता है और क्या अपेक्षा रखते हैं अध्यक्ष से? लोग मौजूदा केंद्र की सरकार है, पूरे देश के नौजवान और पूरे अधिक करके उमंग आ गया है कि सरकार को समाप्त कर दें। आज कांग्रेस पार्टी में ऐसे उम्मीदवार का चुनाव किया जा जिसका पूरे देश में वर्चस्व। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पिछले 7 सालों में कहीं ना कहीं स्थिति बुरी रही है, तो नए अध्यक्ष से आप क्या अपेक्षा करते हैं? आपके अगर देखा जाए तो आपने आपके सामने कांग्रेस लगातार सरकार बनाती रही, तमाम काम किए, आज सत्ता से बाहर है, तो क्या अपेक्षा करते हैं नए अध्यक्ष से? नए अध्यक्ष से वो चारों तरफ मिलने वाले हर समाज के हर तबके के लोगों, हमारे जैसे नौजवान हो गए हैं केवल चुनाव को लेकर। कहाँ से आया? हम देवरिया जनपद से आए हैं, गंगा प्रसाद वहाँ पैदा था। जी, कब से कांग्रेस से जुड़े आप? हम 40 साल से। हमारा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। जी, तो अगर देखा जाए तो आप उत्तर प्रदेश की सीमा से आए हैं जो बिहार को छूता है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकती हैं मयूरी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लोग अपने अध्यक्ष पद को जो चुनाव है उसमें हिस्सा देने और अपने मनपसंद उम्मीदवार के सामने चयन करने यहाँ आए हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो मैं भी आई है, मैम आप कहाँ से आई है? और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें 2022 का चुनाव था, उसमें लड़की हुई लड़सकते हुए का फॉर्मूला चलाया गया और अब नए अध्यक्ष आते हैं, उनसे क्या अपेक्षा कर रही हैं आप और महिलाओं के लिए क्या सोच रही हैं? कहाँ से आई महिलाओं की मर्जी की लड़ाई है। इनका साफ तौर से आपने मयूरी सुना, इनका कहना है कि जो तमाम अगर देश के अंदर में कमियां हैं उस पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और लड़ने का काम की है। कुछ और वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कितनी उत्सुकता है, साथ ही साथ एक लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहा है और क्या अपेक्षा रखते हैं नए अध्यक्ष से, क्योंकि कल अगर देखा जाए अभी यहाँ एक आपके सहयोगी ने कहा कि जीत कांग्रेस की होगी, जीते कोई उम्मीदवार, क्या कहेंगे? वो तो सही है कांग्रेस की ही, और ये भी लोकतंत्र अगर है तो कांग्रेस के अंदर ही, लोकतंत्र का सपना भी अगर है देश के अंदर तो कांग्रेस ही दिखाती है। जो आज कहने वाले लोग थे कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार से अलग नहीं हो पाती है, तो यह साबित कर दिया हमारे नेताओं ने कि कांग्रेस जो है देश की कांग्रेस है, आजाद की कांग्रेस है,
स्वतंत्रता की व्यवस्था की कांग्रेस है, अगर लोकतंत्र है संगठनात्मक व्यवस्था में भी तो वो है कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र है, यह साबित हो गया। और उनका मुख्य 40 कोर्ट ने काम किया है, यह संगठनात्मक चुनाव हमेशा होता रहा है संगठन के अंदर, ये नहीं है कि इतना नहीं होता रहा है, आज भी हुआ है, कल भी हुआ था, आपने सोचा होगा देखा भी होगा कि कल भी हुआ था संगठन का चुनाव, इस समय हमारे माननीय जितेंद्र प्रसाद जी भी लड़े थे सोनिया जी के खिलाफ, और आज भी हमारा जो है लोकतंत्र का है कांग्रेस चलता है, और कांग्रेस जो संघातक चुनाव में लोकतंत्र की आज उनका उनको सोचना चाहिए कि उनके अंदर यह लोकतंत्र की भाव नहीं है, केवल उंगली उठाना उनका काम है, जो आज कांग्रेस ने उनका उंगली को गिराने का काम किया है, वही हमारा मत है, और जो भी जीतेगा तो कांग्रेस जीतेगी, यह सच अच्छा इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए तो एक वक्त था जब पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस 1939 का लगभग वो समय था, अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, दो उम्मीदवार थे, उसमें उसमें भी चयन प्रक्रिया हुई थी और देश आजाद नहीं हुआ था, तो उसे आप जो नए कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दर्शक हैं उन उन विषयों पर भी चर्चा जो नए कार्यकर्ता है उनकी इच्छा है कि हम राहुल गांधी के कदमों के समय का काम करें, और राहुल जी रास्ता दिखा रहे हैं, और राहुल जी के कदमों चलने का आज का देश चलने को एकदम मजबूर है और तैयार भी है, जो आज आने वाली जो अभी परीक्षा होने गई थी अब टेस्ट की बात कर रहे हैं जी, आज स्थिति यह है सारे लोगों ने हमारा लगभग 50% परीक्षा छोड़ दिया है, लेकिन आज किसी भी कांग्रेस छोड़कर के किसी दल के नेता ने आवाज नहीं उठा उठाया है, आवाज वो कांग्रेस के लोगों ने उठाया है कि उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए, जो जो लड़के जो है परीक्षा से वंचित रह गया है उनकी भी परीक्षा ली जाए। अच्छा अगर बात की जाए तो आप कहाँ से आए हैं, हमें ये बताएं अपना नाम बताएं, हमें ये बताएं कि अभी कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अब क्या प्रभाव डालेगा 2024 के चुनाव पे? ये प्रभाव बहुत अच्छा से कांग्रेस तो आपने साफ तौर पर सुना कि यहाँ कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो नए अध्यक्ष होंगे उनकी अगुवाई में हम काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने का काम करेंगे। जी विवांशु, अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, अभी तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह वोट डाल चुके हैं, और कौन कौन बड़े नेता वोट अभी तक डाल चुके हैं? जी अगर बात की जाए तो कांग्रेस की आंतरिक अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में वोट डाला, साथ ही उनके साथ यूपी के चुनाव प्रभारी रही प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, साथ ही अगर बात की जाए तो महज कुछ देर के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अपने मतों का प्रयोग किए हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ का कार्यालय में अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ जो मतदान है उसकी प्रक्रिया चल रही है, और बात की जाए तो समय आप देख सकते हैं कि लगभग 12:30 होने को है, और बात की जाए तो आप देखें कि जो सेवा दल के कार्यकर्ता है वो जो मतदान का प्रक्रिया है उसका जिम्मा संभाले हुए हैं, और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ आप कार्यकर्ताओं की भीड़ से समझ सकती है कि अंदर का क्या नजारा है, और जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे यहाँ आकर अपने मतों का प्रयोग की कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता साथ ही साथ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधायिका आराधना मिश्रा मोना और साथ ही पीएल पूनिया, नसरुद्दीन सिद्दीकी और तमाम ऐसे बड़े नेता अपने मतों का प्रयोग किए हैं, और अपने नए अध्यक्ष के जो चुनने की प्रक्रिया है उसमें वो अपनी सहभागिता दिए हैं, और वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो अपने मतों का प्रयोग कर चुका है वो ठीक सामने है, और कहीं ना कहीं देखिए तो उत्सुकता भारी मात्रा में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है कि अगर देखें तो वजह ये भी है कि कांग्रेस के अंदर में लंबे अरसों के बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरे 22 सालों के बाद हो रही है, और 24 सालों के बाद पहली मर्तबा कोई गैर कांग्रेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से विराजमान होगा। जी
विवांशु अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और थरूर के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कौन बाजी मार पाएगा? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इसका पूरा अगर फैसला जो है 9000 जो डेलीगेट्स है कांग्रेस के जो अड़सठ है पोलिंग स्टेशन पे अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं उनके हाथों में ये जिम्मा है और आने वाले 19 अक्टूबर को इस बात को कहना साफ होगा। लेकिन अगर देखें तो साफ तौर पे इसमें आपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये यहाँ जीत बस कांग्रेस की होगी, जीते कोई उम्मीदवार। तो आने वाले 19 तारीख को जब नतीजे होंगे, जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय मुख्यालय पर आज बैलेट पेपर को जमा किया जाएगा और 19 तारीख को उसकी गिनती की जाएगी सेवा दल और तमाम जो एक्सपर्टीज है उनके द्वारा, तो उसके बाद कहना साफ होगा। मगर देखें तो जो तमाम लोगों का समर्थन है वो दोनों तरफ आते हुए नजर आ रहा है, वो नतीजों के बाद कहना साफ होगा कि किसे समर्थन ज्यादा मिल रहा है। आप अपना नाम बताएं और कहां से आए? बृज नारायण शर्मा, गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है और बात की जाए तो तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं और अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लंबे अरसों से गोरखपुर के क्षेत्रों में और जो हाल फिलहाल की बात की तो पिछले चुनाव में तमको ही भी अपने हाथ से गवा चुकी है, तो कितनी बड़ी चुनौती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। और अगर बात की जाए तो क्या आप अपेक्षा रखते हैं अध्यक्ष लगा है आप थी? मेरे सामने कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती। कांग्रेस का ध्यान पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर, आज जो चुनाव संपन्न हो रहा है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं और आंतरिक लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। हमारे दो प्रत्याशी हैं शशि थरूर जी और खड़गे जी, हमने वोट पोल किया और दूसरे पार्टी चाहे भाजपा को ही ले लीजिए, उनके यहाँ चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष करता, उनको पता ही नहीं रहता कौन अध्यक्ष हुआ कौन अध्यक्ष नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र में ये दो प्रत्याशी है, आज वोट पड़ रहा है 19 को कौन अध्यक्ष होगा वो समय। जी बिल्कुल, आपके हाथों में देखा जाए तो आप बीमार नजर आ रहे हैं और आपके अंदर भी उत्सुकता भारी मात्रा में दिख रही है, क्या कहेंगे? एक कांग्रेस पार्टी है कि हमारे जैसे युवा को भी मौका दिया वोट डालने के लिए, ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। आरएसएस के जो पुजारी हैं, जो बीजेपी के पुजारी हैं, क्या वो कभी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट कराएंगे? क्या यहाँ से आप सीखेंगे? क्या आप यहाँ से सीख लेंगे? कहाँ से आए हो? हम अमेठी से आए हैं, राहुल जी हमारे अमेठी से पीसीसी हैं, उनके साथ हम भी पीसीसी हैं, अमेठी से चल के आए वोट डालने के लिए। मेरा प्लेटलेट जो की 60 से 70 हजार है, तबीयत खराब था, हमारे अध्यक्ष जी हमको लेके गाड़ी पे बैठा कर यहाँ पीसीसी तक आए। अध्यक्ष जी ने बोला तुम्हें हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपका विचार है, आपका मत है, आपके पास अनुभव है, आपके पास आवश्यकता की जो चीजें जो समाज के लिए जो राजनीतिक के लिए पूर्ति कर सके, क्योंकि आप उनको वोट करिए, ऐसा मुझे समर्थन मिला है। और सदैव से कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, देश को संवारा है, देश में जो छोटे छोटे दल पैदा हो गए, जो अपने आप को आप सबसे बड़े नेता कहते हैं, जो छोटे छोटे लोग नेतागिरी में जो आप चरचम लगा रहे हैं, ये सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की देन है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो वोट देने का अधिकार दे दिया राजीव गांधी, हम तो बहुत गर्व की बात है। राजीव गांधी जी ने बोला था 18 साल युवाओं को वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया था। ये आपके जो कंप्यूटर हाथ में जो मोबाइल पकड़े हैं, ये जो कैमरा पकड़े हैं, ये राजीव जी की देन है, हमें गर्व की बात है। हम कांग्रेस पार्टी के लिए हम ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है, हमारे शकील भाई भी आए हैं अमेठी से, काफी लोग कहाँ से आए हैं अमेठी से हैं। शकील भाई हमें ये बताए कि खास जो यात्रा में युवाओं की जो सहभागिता है, मगर युवाओं की जो सहभागिता है वो भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। और देखा तो 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। क्या अपेक्षा रखते हैं नए अध्यक्ष से और भारत जोड़ो आंदोलन? देखिए पत्रकार साथी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के आप किसी भी कोने में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा पीड़ित आपको युवा मिलेगा। ये वही युवा है जिसको बड़े बड़े भाषणों के माध्यम से 2014 में एक स्वघोषित स्वयंभू महाराज आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वही परिवर्तन ले आया और वो युवा ठगे गए। आज युवा राहुल गांधी का चल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलने वाला एक युवा साथी राहुल गांधी
कैसे मेहनत कर रहा है, 3500 किलोमीटर की यात्रा करना जो इसके किसी नेता की क्षमता में है ही नहीं है, वो राहुल गांधी जी की क्षमता है जो 3500 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे भारत को जोड़ा जा रहा है। और भारत को जोड़ने की आवश्यकता भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने भारत में फूट डालो राजनीति की, उसी तरह ये दो अडानी और अंबानी आए ये भी फूट डालो राजनीति पे काम कर रहे हैं। तो इस समय भारत को जोड़ने की बड़ी आवश्यकता है, राहुल जी का कभी भी जोड़ा जा रहा है भारत आपके मुताबिक। आप देख क्या रहे हैं, बेरोजगारी नफरत जो देश को सबसे बड़ा जहर खोखला कर रहा है वो नफरत है। इसलिए राहुल जी ने कहा कि हम गांधीवादी पसीनों पर चलते हुए भारत को फिर जोड़ेंगे, जैसे इस इंडिया कंपनी से मुक्ति दिलाई थी उसी तरह अडानी और अंबानी कंपनी से मुक्ति दिलाई। तो इनका साफ तौर से कहना था कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं इनका कहना था कि जो युवा हताश है और रोजगार के लिए भटक रहा है उसके लिए, और साथ ही साथ जो नफरती ताकत है और इनका आरोप है कि जो नफरती ताकत है उनको यहाँ से हटाकर और आपके जो तालमेल है उसको बनाए रखने के लिए यात्रा की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हर एक वर्ग के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर बात की जाए तो सर आज एक कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं 22 सालों के बाद चुनाव हो रहा है, उत्सुकता है, आप अंदर आके बताएं। नहीं बिल्कुल, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की वापसी अब नजर आ रही है। आज नहीं तो कल आएंगे, आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे और एक सही दिशा में हम लोग का कदम है और मैं इसके स्वागत करता हूँ। अच्छा, आप अगर देख रहे होंगे टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप पार्टी के हिस्से में भी है, तो क्या लग रहा है कितना प्रभाव डाल पाएगा भारत जोड़ो यात्रा जो लोकसभा चुनाव? मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा में एक जनता का उभार हो रहा है, लेकिन जनता पूरी तरह से राहुल गांधी के पीछे आ रही है और चाहती है कि कुछ परिवर्तन अवश्य होना चाहिए और परिवर्तन हो, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझे इतना जरूर लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया है और चलता जा रहा है और जोर जोर से जा रहा है। इनका साफ तौर से कहना था ये वरिष्ठ नेता है और इन्होंने कई सरकारों को देखी है और देखा जाए तो कांग्रेस को अगर देखो जो कांग्रेस पार्टी जब इस प्रदेश में थी साथ ही साथ केंद्र में थी तो यही नेता देश को चलाने का काम करते थे। आज फिर ये सभी अपने घरों से निकलकर और अपने मतों का प्रयोग करने और जो नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया है उसमें अपनी सहभागिता देने आए हुए हैं। जी मयूरी, 24 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा तो ये कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा या आने वाले चुनाव में उसको क्या कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल, अभी आपने कार्यकर्ता से सुना, साफ तौर से जो आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद के और एक ही प्रकार का कहीं ना कहीं जो अहम पद है उसको बैठने का, उससे साफ तौर से ये जात मिलते हुए नजर आएगा। ऐसा कार्यकर्ताओं का भी कहना है और राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है और हम यहाँ एक बार और लोगों से पूछेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो 24 सालों के बाद पहली मर्तबा गैर गांधी परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष पद के बैठने जा रहा है और 137 साल इतिहास में सभी बार चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? ये सबका होना चाहिए। तो कहने का सवाल ये है कि पहली बात तो अगर चल रहा है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने मना कर दी कि हम अध्यक्ष पद नहीं देंगे। हमें जो देश चलाना है, देश की जो युवाओं की बेरोजगारी खत्म होगी है, महंगाई बढ़ी है, आप लोगों को हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ताकि हर चीज खरीदनी है। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं मीडिया भी खरीदनी है, फिर को सबकी बात वो निकालते ही नहीं है। इतनी बड़ी रैली दिल्ली में हुई है, सेवा आदमी ने क्या दिखाया है, कहीं भी है कभी कभी शिमला में भी चुनाव है, कभी पूरा नहीं दिखाना चाहते हैं ताकि कांग्रेस को दबाना चाहते हैं। सीधी भाषा है हमारी, हम ये चाहते हैं कि हमारा देश खुश रहे, युवाओं को रोजगार मिले, गरीब लोगों को अमीरों को सबको महंगाई होगी,
तो हम सब इस्तीफा हुए कहाँ से आए आप? हम कानपुर से आए हैं। सहारनपुर से आए हैं। अच्छा, जब देखा जाए कि देश के अंदर में 18 जोड़ो यात्रा चल रहा है, कितना प्रभाव डालेगा आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को? नहीं नहीं, हमारा कांग्रेस का प्रभाव तो कार्य करना है, जनता को बताना है, जनता की समझ में आता हो तो करो, नहीं हम ये नहीं कहते हैं। हम कांग्रेस के कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस की हम हर जोड़ो यात्रा करेंगे, हम सब कार्य करते हैं। हम कभी भी सहारनपुर से भी गुजरेगी भारत जोड़ो, हम इतना सकता है क्या तैयारी करके बैठे आप लोग? हम लोग काफी मजबूत तैयारियां, हमारी काफी जनता समर्थन में है, ये सब साफ बात करेंगे। और क्या नाम यह है, इनसे जो ये बैठे हैं देश के अंदर, इनसे छुटकारा हो गया था तो देश बच सकता है। मैं तो देश के संग रहा था, ये दूसरे देश आ चुके हैं, इनका भारी नहीं है। जी, तो इनका साफ तौर से एक बड़ा आरोप सत्ताधारी पार्टी पे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर सरकार काम कर रही है, ऐसा अभी मैं जिनसे बात कर रहा था उसका कहना है। मगर आप देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे वरिष्ठ कांग्रेसी, चाहे बात की जाए हर एक वर्ग के लोग आज अपने वोट देने आ रहे हैं, जो पीसीसी के मेंबर है, बात की जाए उत्तर प्रदेश में 1250 से अधिक लगभग पीसीसी के मेंबर है। मैं अपने सहयोगी दीपक जी से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि ये एंट्री गेट बनाया गया है जहां सेवा दल के लोग का, जो सेवा दल के कार्यकर्ता है उनके हाथों में पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है उसका जिम्मा है और पूरी पारदर्शिता के साथ वो आईडी को चेक करके और यहाँ जो तमाम पहचान पत्र है उसको देखने के बाद लोगों को एंट्री दिया जा रहा है, साथ ही पूरे पारदर्शिता के साथ चुनाव को संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है। जी मयूरी, फ्रांसो आप कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, एक बार हमारे दर्शकों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि लोगों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि एक बार वो तमाम दूर दराज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से अपने मतों का अधिकार मताधिकार का प्रयोग करने आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय आए हैं। उनका साफ तौर से कहीं ना कहीं ये काफी उत्साहित है, क्योंकि देखा जाए तो 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है और निकाय चुनाव को देखा जाए तो सेमीफाइनल चुनाव के तौर पे देखा जा रहा है। तो माना ये जा रहा है कि ये सभी कार्यकर्ता नए अध्यक्ष पद के जो जिम्मा है, जो जिन्हें मिले उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी अध्यक्ष होगा, जो दोनों में से जीतेगा, वो कोई भी किसी की हार नहीं होगी, बल्कि दोनों कैंडिडेट में से कोई जीते ये कांग्रेस की ही जीत होगी, जीत कैंडिडेट की नहीं होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद भुवंशु तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपने मतदान का प्रयोग करते हुए मतदान करती नजर आ रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बता दें पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। कांग्रेस 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार चुनावी मुकाबला हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए रेस हो रही है। थरूर और खड़गे के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे से ही वोटिंग शुरू है जो शाम 4 बजे तक चलेगी। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।